आज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसा कहने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनके जन्म दिवस पर हमारा शत शत नमन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के गाँव छिकली में हुआ था। ये आधुनिक काल कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से थे। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत के प्रधान आर्किटेक्ट्स में एक थे। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से दो दैनिक अखबार शुरू किए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तिलक अखबार में अंग्रेजी शासन की क्रूरता की आलोचना करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी अखबार केसरी में दो क्रांतिकारियों का बचाव किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर बर्मा के मंडले जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिख डाली। तिलक डबल ग्रेजुएट थे। अगर वे चाहते तो उन्हें कोई भी अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती, लेकिन उन्होंने हमेशा मातृभूमि से प्यार किया और देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए जीवन भर प्रयास किया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।